नमस्कार, मैं हूं विवेका। आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। बड़ी खबर आज निकल कर आई, जो खबर सुनते ही लोगों में दुख की लहर और शोक की लहर दौड़ पड़ी। पूर्व सीएम और पूर्व देश के रक्षा मंत्री, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान में समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव का देहांत आज तड़के सुबह हो गई। मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी के फाउंडर थे और मुलायम सिंह यादव ने अपने कार्यकाल में ही अपने पुत्र को राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद सौंपा और अपने ही कार्यकाल में अपने पुत्र को भी उत्तर प्रदेश का सीएम बनाया। अखिलेश सिंह यादव आज विपक्ष के नेता हैं जो मुलायम सिंह यादव के पुत्र हैं। मुलायम सिंह यादव कई दफा विधायक, कई दफा सांसद और देश के रक्षा मंत्री भी बने और कई दफा उत्तर प्रदेश के सीएम भी बने। मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश में दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों, अल्पसंख्यकों को जगाया और पहलवानी करते हुए उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया और लोगों ने स्वयं अपने खर्च से मुलायम सिंह यादव को पहली बार विधायक बना। मुलायम सिंह यादव पहलवान थे और कुश्ती अच्छा करते थे। इन्हें राजनीति में आने के बाद सामंतियों का मनोबल उत्तर प्रदेश में टूटा और सामंती राज को समाप्त करके मुलायम सिंह यादव ने पिछड़ों, अति पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, दलितों, शोषितों को आगे लाने का काम किया। मुलायम सिंह यादव की नाम हमेशा याद करी जाएगी। मुलायम सिंह यादव ने कई बिहार सहित देश के नेताओं को उंगली पकड़ के राजनीति सिखाया और उन्हें जगह तक पहुंचाने का काम किया। मुलायम सिंह यादव हमेशा याद किए जाने वाले ऐसे शख्सियत हैं जिन्हें लोग कभी भुला नहीं सकते। देश के राजनीति में मुलायम सिंह यादव की अहम भूमिका थी, अपनी अलग पहचान थी और उन्होंने उत्तर प्रदेश में जो काम किया उस काम के लोग भूरी भूरी प्रशंसा करते आज तक नहीं थकते हैं। यह शोक की खबर हमने आपको दिया। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।